गाइस फ्री फायर में ऐसे तो बहुत ही सारे स्किन आते रहती हैं जिसमें कई सारे लेजेंडरी होते हैं, कई सारे यूवो गन होते हैं, कई सारे इनक्यूबेटर गन होते हैं, कई सारे ऐसे फालतू गन होते हैं जो सिर्फ नाम का स्किन के तौर पे दिए जाते हैं, कई सारे ऐसे गन स्किन होते हैं जो इलाइट पास में दिए जाते हैं लेकिन बिल्कुल भी एट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। यानी कि कई सारे गन स्किन हमें दिए जाते हैं, हर ना हर सप्ताह हमें कोई ना कोई एक गन स्किन देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको फ्री फायर का 17 सबसे ऐसे बेस्ट गन के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही खतरनाक चलती है, बहुत ही तगड़ा हेडशॉट लगती है, रेट ऑफ फायर बहुत ही अच्छा रहता है, ड्रैग करने पे तुरंत हेड पकड़ती है और वो फ्री फायर का सबसे बेस्ट गन में से एक माना जाता है। तो ऐसे आज मैं आपको फ्री फायर का 17 सबसे बेस्ट गन स्किन के बारे में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 17 गाइस, नंबर 17 की बात करें तो उस गन स्किन का नाम है लावा MP5 जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कि हमारे इनक्यूबेटर में आया हुआ था और इसका जो टॉप इनक्यूबेटर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है MP5 रोज लावा करके और इसका गेम प्ले आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लगता है देखने में। और इसका एटीट्यूड की बात करें तो डबल रेट ऑफ फायर है, सिंगल रेंज है और रिलोड स्पीड माइनस है, ठीक है। तो रेट ऑफ फायर डबल होने के कारण इसका रेट ऑफ फायर काफी ज्यादा तगड़ा है, जिसके चलते ये बेस्ट गन में से एक है। नंबर 16 गाइस, नंबर 16 की बात करें तो उस गन का नाम है यहाँ पे ट्यून ब्लास्टर P90 करके, जिसका टॉप इनक्यूबेटर बहुत ही ज्यादा तगड़ा चलती है और बहुत ही खतरनाक इसमें हेडशॉट लगती है। और इसका एटीट्यूड की बात करें तो डबल डैमेज, सिंगल रेट ऑफ फायर और मैगजीन माइनस है, तो मैगजीन का कोई फर्क नहीं पड़ता है शॉट गन में, डबल डैमेज होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा अच्छा डैमेज देता है और सिंगल रेट ऑफ फायर भी अच्छा है, तो आप देख सकते हो स्किन पे कितना खतरनाक यहाँ पे हेडशॉट लग रहा है, ठीक है। तो ये गन स्किन भी एक बेस्ट गन स्किन में से एक आता है जो चारों है, ठीक है। नंबर 15 की बात करें तो उसका यहाँ पे है पंपकिन एक्समेट करके, जो कि हमारे इनक्यूबेटर में आया हुआ था और इसका जो टॉप यहाँ पे इनक्यूबेटर है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतना खतरनाक हेडशॉट लगता है कि दूर से भी यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग कर दोगे तो आपको यहाँ पे हेडशॉट चिपक जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे फायरी पंपकिन एक्समेट करके है, इसका चारों जो है चारों बेस्ट है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो टॉप इनक्यूबेटर है जिसमें डबल रेट ऑफ फायर, एक्यूरेसी प्लस और रिलोड स्पीड माइनस दी है, ठीक है। तो लॉन्ग गन में अगर डबल रेट ऑफ फायर है तो वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट गन स्किन होता है, क्योंकि बहुत स्पीडली वो गोली निकालती है, ठीक है। तो एक्समेट फ्री पंपकिन एक बेस्ट गन स्किन में से एक है। नंबर 14 गाइस, नंबर 14 की बात करें तो वो है इवो फमास, ठीक है। आपको पता है कि फमास कितना ज्यादा तगड़ा हो गया अभी के समय, अगर आप फमास 3 चलाओगे तो बंदे कहीं भी रहे ना एक्यूरेसी इतना तगड़ा रहता है कि हेडशॉट लगता है। इसका लुक देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। अब बात करते हैं इसका एट्रीब्यूट की, एट्रीब्यूट में इसका क्या-क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहां पे इसमें डबल डैमेज है और सिंगल रेट ऑफ फायर देखने मिलता है, थोड़ा सा यहां पे रिलोड स्पीड माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग गन है लेकिन डैमेज ज्यादा होने की वजह से, और आपको पता है पहले ही एक्यूरेसी इसमें अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही तगड़ा गन में से एक है, ठीक है। नंबर 13 गाइस, नंबर 13 की बात करें तो वो है हमारा MP5, ठीक है। ये इवो MP5 एक बहुत ही तगड़ा गन स्किन में से एक है, जिसका लुक आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्या ही तगड़ा गन स्किन है जो हाल ही के समय हमारे गेम में देखने को मिला है, जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा MP5 गन स्किन में से एक है, ठीक है। बात करें इसका एटीट्यूड की तो यहाँ पे इसमें डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर देखने को मिलता है, तो डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर जिस भी शॉट गन में SMG गन में हो ना वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट गन माना जाता है। और वही एटीट्यूड इसमें दिया हुआ जो लेवल 7 में हमें देखने को मिलता है, और इसका इमोट आप देख सकते हो, इवो गन का कुछ इमोट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये MP5 बहुत ही ज्यादा तगड़ा गन स्किन में से एक है, ठीक है। नंबर 12 गाइस, नंबर 12 की बात करें तो वो है हमारा मैगलोडन स्कार करके, और ये भी हमारा इवो गन है जो फ्री फायर में बहुत ही समय पहले आया था। इसका देख सकते हो यहाँ पे किल नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से आता है, और यहाँ पे देख सकते हो फायरिंग इफेक्ट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा ये इवो गन है, और हीट इफेक्ट देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से, जब बंदे मरते हैं तो वहां पे देखो किल इफेक्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा चीजें है आपको मैगलोडन स्कार में, और उसका इमोट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसका एट्रीब्यूट की, तो यहां पर भी आपको डबल डैमेज और सिंगल डैमेज और डबल रेट ऑफ फायर के साथ रिलोड स्पीड माइनस है। तो यहां पे लॉन्ग गन में जिसमें डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल डैमेज हो ना, वो समझ जाना सबसे बेस्ट गन स्किन में से एक है, जो वो राइफल गन होगा वो सबसे बेस्ट गन स्किन में से एक होगा। नंबर 11 गाइस, नंबर 11 की बात करें तो वो है हमारा पेपर कट UMP, जो कि ये भी हमारा इनक्यूबेटर में देखने को मिला था, और इसका जो टॉप इनक्यूबेटर है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, जिसमें आपको डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल डैमेज और रिलोड स्पीड माइनस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल रेट ऑफ फायर के चलते यहाँ पे इसका गेम प्ले देख सकते हो कितना खतरनाक हेडशॉट लग रहा है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा हेडशॉट लगता है। कोई भी शॉट गन में अगर डबल रेट ऑफ फायर या फिर डबल डैमेज के साथ रेट ऑफ फायर भी रहता है ना, तो वो बहुत ही बेस्ट गन होता है। तो देख सकते हो कितना ज्यादा तगड़ा इसमें हेडशॉट लग रहा है, ठीक है। और इसी कारण से ये गन जो है एक बेस्ट SMG गन में से एक माना जाता है।
नंबर 10 की बात करें तो वो है हमारा UMP बुजाडे 2021 करके आया था, और ये भी हमारा ईवो है जहाँ पे हमें डबल डैमेज के साथ सिंगल रेट ऑफ फायर, आप यहाँ पर भी देख सकते हो रेट ऑफ फायर और डैमेज दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके चलते ये बहुत ही तगड़ा गन में से एक माना जाता है, जिसका इमोट आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो उतना खास तो नहीं है पर ठीक है। आप देख सकते हो गेम प्ले में अगर आप इसका बात करें तो आपको यहाँ पे गेम में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा छोटा लगता है बट ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा इसमें हेडशॉट लगता है, ठीक है। तो ये जो गन स्किन है ये डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर के होने के चलते ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा गन स्किन में से एक है। नंबर 9 की बात करें तो वो है हमारा कोबरा MP40 गन स्किन, जो कि स्क्रीन पे देख सकते हो ये MP40 का लुक आपको कुछ इस तरह से लगेगा, और ये भी हमारा एक ईवो गन है जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा एक समय हुआ करता था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसका पावर घटा दिया गया, जिसके चलते इसको मैं यहाँ पे 9 नंबर पे रखा हूँ, और इसमें यहाँ पे डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर के साथ दिया हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा अभी के समय चलता है, बट बन्नी MP40 इससे ज्यादा तगड़ा चलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा गन स्किन में से एक माना जाता है। बात करें इसका इमोट की तो इमोट आप देख सकते हो जब लेवल 7 में जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से इमोट देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा और बहुत ही ज्यादा रेयर भी है, ठीक है। नंबर 8 की बात करें तो वो गन स्किन का नाम है एक्समेट, यहाँ करके देख सकते हो ये एक्समेट का जो ईवो गन है ये भाई इतना ज्यादा इसमें तगड़ा हेडशॉट लगता है, क्योंकि जब मैंने इसको निकाला था उसके बाद जब भी इससे गेम प्ले करता हूँ ना बहुत ही ज्यादा तगड़ा हेडशॉट लगता है, दूर से हेडशॉट लग जाता है, ये मैंने पर्सनली चलाया। तो एक्समेट में सबसे बेस्ट एक्समेट इसी को माना जाता है, जिसमें यहाँ आपको डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर देखने को मिलता है, तो एक्समेट में यहाँ पे इसमें रेट ऑफ फायर पहले से थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए रेट ऑफ फायर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डबल डैमेज के साथ ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा गन स्किन में से एक है। नंबर 7 की बात करें तो वो हमारा M10 का इंक्यूबेटर, जो कि टॉप इंक्यूबेटर देख सकते हो यहाँ पे, ये ऑरेंज वाला रेड वाला जो मिक्सिंग है ना ये काफी ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे रेट ऑफ फायर दिया हुआ ज्यादा और रिलोड स्पीड भी प्ले दिया। आपको पता है कि M10 में सबसे जो दिक्कत करती है वो है रिलोड स्पीड, लेकिन यहाँ पे आपको रिलोड स्पीड देखने को मिलता है और डबल रेट ऑफ फायर 6 गोली निकलती है ना, तो यहाँ पे डबल रेट ऑफ फायर के चलते ये तेजी से निकलता है और रिलोड स्पीड भी कम है ना, तो बहुत ही ज्यादा इसमें ये तगड़ा गन स्किन बन जाता है, इसलिए ये बेस्ट गन स्किन में से एक है M10 का, ठीक है। बात करें नंबर 6 की तो नंबर 6 पे जो गन स्किन आता है उस गन स्किन का नाम है यूनिकॉर्न AK, जो बहुत ही समय पहले हमारा इंक्यूबेटर में देखने को मिला था। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 गन स्किन आया था और ये चारों के चारों बहुत ही ज्यादा OP है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, इसके चलते ये काफी ज्यादा रेयर है अभी के समय में फ्री फायर में, काफी ज्यादा लोग इसको चाहते हैं कि निकाले हमारे पास ये कलेक्शन के तौर पे हो। तो ये जो सारा गन स्किन है ना ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट गन स्किन में से एक है, जिसका लुक आप स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, ठीक है, और एट्रिब्यूटेड आपने देख ही लिया। तो ये गन स्किन पुराना होने के चलते ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा रेयर है और लोग चाहते हैं इस गन को निकाले, तो ये भी बेस्ट गन स्किन में से एक है। नंबर 5 की बात करें तो वो है हमारा यहाँ पे M4A1 का, जो कि हमारा ईवो गन आया हुआ था, जिसका एनिमेशन वगैरह देख सकते हो क्या ही खतरनाक लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एक सोया हुआ जानवर जो है जग गया है और ये खतरनाक सबको हेडशॉट मारने वाला है, ठीक है। तो इसका एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, एक ड्रैगन जैसा है और आप देख सकते हो क्या ही खतरनाक इसका एनिमेशन वगैरह बनाया हुआ है, और इस गन का लुक आप देख सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा OP है। बात करें इसका एट्रिब्यूटेड का तो यहाँ पे आपको डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर देखने को मिल रहा है, तो M4A1 एक तो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा बेस्ट गन स्किन माना जाता है, बेस्ट गन माना जाता है जिसमें डबल डैमेज रेट ऑफ फायर के चलते इसका पावर बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, जिसके चलते बहुत ही तगड़ा इसमें हेडशॉट लगता है, ठीक है। और अभी के समय जो भी ये गन स्किन निकाले वो सारे लोग यही चलाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। बात करें इसका इमोट की तो जब लेवल 7 में जाओगे तो वहां पर आपको एक इमोट देखने को मिलेगा, जिसका लुक आपको स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक में से एक है। नंबर 4 की बात करें तो वो गन स्किन राइफल गन में से बहुत ही ज्यादा तगड़ा गन स्किन माना जाता है, जो कि हमारा है टाइटन स्कार। इसमें आपको 4 स्किन देखने को मिला था और चारों के चारों बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, जिसमें टॉप जो इंक्यूबेटर है ना, जिसमें डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल डैमेज है, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां पे आपको डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल डैमेज देखने को मिल रहा है। तो जो भी राइफल गन में डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल डैमेज देखने को मिलेगा वो समझ जाना सबसे बेस्ट राइफल गन स्किन में से एक है उस गन में से, ठीक है। इसलिए टाइटन स्कार बहुत ही ज्यादा तगड़ा गन स्किन में से एक है अभी के समय में, जिसका लुक आप स्क्रीन पे देख सकते हो और सब लोग चाहते हैं इस गन को निकाले, क्योंकि बहुत ही खतरनाक चलती है। नंबर 3 की बात करें तो वह सबका चाहिए पोकर MP40, ठीक है। पोकर MP40 एक समय बहुत ही ज्यादा रेयर हुआ करता था, लेकिन ये कई बार रिटर्न आ चुका है, जिसका इसका रेयरिटी खत्म हो गया, लेकिन अभी भी वो उतना ही खतरनाक चलता है, उतना ही ज्यादा फेमस है जितना पहले हुआ करता था। और बात करें इसका टॉप इंक्यूबेटर की, यहाँ पर आपको डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर देखने को मिलेगा, और जो भी गन स्किन यानी कि जो भी SMG गन होता है ना, उसमें आपको डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर होता है ना, तो वो समझ जाना SMG गन में से सबसे बेस्ट SMG गन
गन होता है और वही हमारा पोकर MP40। ठीक है, नंबर टू गाइस, नंबर टू की बात करें तो वो है सबसे ज्यादा खतरनाक और फ्री फायर में सबसे ज्यादा फेमस के साथ साथ सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्रेको AK-47, जो कि फ्री फायर का सबसे पहला इवो गन है। और सबसे पहला इवो गन होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसका एट्रीब्यूटेड भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और अभी के समय सबसे ज्यादा यूज भी होता है यही गन जिसके जिसके पास है। बात करें इसका एट्रीब्यूटेड की तो लेवल 6 में जो इसका एट्रीब्यूटेड है वो है डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल डैमेज। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस भी लॉन्ग गन में डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल डैमेज रहे वो समझ जाना बेस्ट गन स्किन है, और जिस भी SMG गन में से डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर है वो समझ जाना बेस्ट SMG गन स्किन में से एक है। ठीक है, तो ये गन स्किन बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। नंबर वन की बात करें तो वो है हमारा M10, जो कि इवो M10 है और ये इतना ज्यादा खतरनाक चलता है अभी के समय जो कि कहने की बात नहीं है, क्योंकि इसका एक तो लुक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, किल इफेक्ट यहां पे एनिमेशन वगैरह इतना ज्यादा तगड़ा है कि बहुत ही ज्यादा OP लगता है देखने में। आप देख सकते हो यहां पे एक ड्रैगन का लुक देता है। ठीक है, और ये शॉटगन जो भी चलाता है ना दो गोली में ही मर जाता है, मतलब M1887 का भी जरूरत नहीं पड़ता, इतना ज्यादा तगड़ा है। ठीक है, बात करें इसका एट्रीब्यूटेड की तो यहां पर आपको डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल डैमेज देखने को मिलता है, थोड़ा सा रिलोड स्पीड कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे डबल डैमेज होने के कारण दो गोली ही मार दोगे ना तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा चलेगा, इतना ज्यादा खतरनाक है जो कि इवो गन है। ठीक है, तो ये फ्री फायर का सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा तगड़ा और खतरनाक गन स्किन में से एक है। ठीक है, तो गाइस ये था फ्री फायर का टॉप 17 बेस्ट गन स्किन, और अगले पार्ट में इनक्यूबेटर और इवो गन को छोड़ के जो भी बेस्ट गन होगी ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि इनक्यूबेटर और इवो गन को छोड़ के मैं 17 सबसे बेस्ट गन स्किन बताने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वही वीडियो होने वाला है, सब्सक्राइब करके रख लेना। और ये सारे गन स्किन में से आपके पास कौन कौन सा गन स्किन है कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सा आपको सबसे तगड़ा लगता है ये भी कमेंट करके जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हो, टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका चैनल का नाम मैं यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, साथ ही साथ ट्विटर को फॉलो कर लेना और इंजॉय गेमिंग जो इंजॉय आर्मी सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइव करने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।